झारखंड देवघर से जुड़ी हुई है, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आपको बताएं, अभी भी 19 लोग फंसे हुए हैं 7 ट्रॉलियों में, और ये लगातार देवघर रोपवे को लेकर हेलीकॉप्टर्स भी मिशन पर हैं। 19 का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है और 29 अभी भी फंसे हुए हैं। लगातार आप सभी तक ये हम खबर साझा कर रहे हैं। कल शाम 5 बजे देवघर त्रिकूट पहाड़ी पर रोपवे जो ट्रॉली है वो आपस में टकराए, उसके बाद से एक बड़ा हादसा हुआ, एक की मृत्यु भी हुई है, कई लोग उसमें जख्मी हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद से कल शाम से ही लगातार एनडीआरएफ की टीम हो या सेना की अगर बात करें तो वो ऑपरेशन में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर लगातार ये ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर स्थानीय टीम के साथ साथ लगातार एनडीआरएफ की टीम और सेना की भी मदद ली गई है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे में ये बड़ा हादसा हुआ है और ये तस्वीरें भी आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। और काफी लोगों को बचाया गया है। आईटीबीपी की तरफ से भी कहा गया है कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को खाना पानी दिया जा रहा है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। और इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं। और ये खबर देवघर में जो बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर आप सभी तक हम साझा करें, किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है उसकी ये वांगी है, उसी की तस्वीर है। तो झारखंड देवघर से लगातार ये खबरें आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं, लेकिन अगली बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे मलिका। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ताजा अपडेट क्या है। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, ताजा अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? अब आपको बता दें कि हादसा कल शाम को हुआ था 4 बजे और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वायुसेना क्योंकि अब शामिल हो गई है तो ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इलाका है वो बहुत दुर्गम है और हवा में कल शाम 4 बजे से ये 48 लोग लटके हुए थे। एक महिला की मौत की पुष्टि भी हो गई है यहां पर, लेकिन कुल मिलाकर जब वायुसेना यहां पर आती तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं और युद्ध स्तर पर फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। लेकिन पूरी रात यहां पर धकधकी जो है वो लोगों की बढ़ती रही, परिवार वाले परेशान होते रहे और ये तमाम तस्वीरें जो हैं इस बात की तस्दीक करती हुई। अगली जानकारी मल्लिका देंगी आपको। बिल्कुल, और साथ ही आपको बताते चले कि वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि लापरवाही चूक की वजह से ये हादसा हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरह से और एनिमेशन के जरिए हम आपको अब जानकारी बताते हैं। राजीव, एनिमेशन के जरिए बताइए क्या कुछ हुआ। बिल्कुल, जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके वजह ये बताया जा रहा है कि टेक्निकल कारण थे जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। वायुसेना लगी हुई है वहां पर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद से खाना पानी पहुंचाया गया लोगों तक। और स्क्रीन पर हम साथ साथ आपके सामने वो डेटा भी रख रहे हैं, जानकारियां भी रख रहे हैं कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या कुछ। 48 लोग वहां पर फंसे रहे हवा में। तो आप ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये रोपवे हैं और इन्हीं सभी में ये सभी जो यात्री थे वो फंसे हुए थे और एकाएक जो इसमें तकनीकी दिक्कत आई, खामी आई और उसके बाद से ये काफी देर तक वहां पर अटके रहे। और कल शाम 4 बजे से ये लोग वहां पर फंसे हुए थे। सुबह वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा, MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा और उसके बाद से लोगों को निकालना वहां से शुरू हुआ। छोटी छोटी बच्चियां भी इसमें शामिल थी। और अब अगली जानकारी मेरे सहयोगी सईद आपको दें। एक तस्वीर ने यहां पर सबको झकझोर के रख दिया है और वो तस्वीर एक छोटी सी बच्ची की है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, चलाया गया, जिसमें एक बच्ची को बचाया गया, लेकिन अभी भी कम से कम 48 ऐसे टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, जो फंसे हुए हैं और जिन्हें निकालने का प्रयास। ये देखिए जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस बच्ची की तस्वीर है जिसे बचा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि रोपवे के पास तार हैं बहुत ज्यादा, जो वायुसेना के चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो तारों की वजह से नीचे नहीं आ पा रहे हैं और ये लोग
लोग अब कुछ ही देर बाद 20 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, 24 घंटे हो जाएंगे। रविवार देर शाम यह हादसा हुआ था। खाना पीना नहीं पहुंच पा रहा है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नीचे जो ये लोग फंसे हुए हैं, इनके जो परिजन हैं, अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है, वो गुस्सा हो रहे हैं। पूरा प्रयास है, कोशिश पूरी है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स, चॉपर, और ज्यादा जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं हमारे साथी आशुतोष के पास। बिल्कुल, वहां पर क्या कुछ हुआ हम चलिए समझते हैं, और पीड़ित जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, हम सुनते हैं, आपको सुनवाते हैं। दरभंगा से जी, बाबा को कितने देर से फंसे हुए थे? कल भी लमसम 3:30 बजे के आसपास। अभी कितने बजे उतरे आप? अभी समय देख लीजिए आप सर, कितना समय हो रहा है? अब चप्पल नहीं है, महसूस हो रहा था, लग रहा था नहीं बचेंगे हम लोग को जान गवाना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के सर लोगों के मदद से हम लोग का जान बच गया। भगवान कहाँ से आए?